दोस्तों हाल ही में इंडियन कोस्ट गार्ड की वैकेंसी आई हुई है जो कि एकदम फ्री है। इसमें एससी एसटी या जनरल कोई भी कैंडिडेट हो, किसी को भी फीस पे नहीं करना है। ये ऑफिशियल वेबसाइट है, तो दोस्तों यहाँ पे बहुत कुछ दिया रखा है जिसमें आपको समझ में नहीं आएगा, तो ऑफिशियल वेबसाइट सरकार की एल की ऑफिशियल वेबसाइट पर लेके चलते हैं, जहाँ पर विस्तृत में आपको समझ में भी आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखें, हम आपको दिखाते हैं। ये विज्ञप्ति 30 अक्टूबर को जारी की गई थी, जिसमें से आपको कोई भी फीस पे नहीं करनी है। देखिए दोस्तों, जीरो फीस है, और यहाँ पे जो 30 अक्टूबर से अप्लाई करना स्टार्ट हो चुका था, और जो 8 नवंबर तक अप्लाई करने का लास्ट डेट रहेगा, और जो कि आपका 17-12 नवंबर तक आपका एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा, और जो 18 से 22 आपकी एज होनी चाहिए, मिनिमम 18 होनी चाहिए, मैक्सिमम 22 एज होनी चाहिए, और आपका 1 अप्रैल 1998 से 31 मार्च 2002 के बीच में जन्म होना चाहिए, और आपको हाई स्कूल में 50% मार्क्स होने चाहिए मैक्सिमम। मिनिमम 50% से कम हुए तो आपको फिर अप्लाई नहीं कर सकते इसमें। दोस्तों आपकी हाइट होगी वो आपकी 1.57 होनी चाहिए, चेस्ट है यानी कि सीना का फुलाव है वो 5 सेंटीमीटर होना चाहिए, और जो वेट है वो आपका एज से 10% ज़्यादा होना चाहिए, और आपकी जो रनिंग है वो 1.6 की होनी चाहिए, 7 मिनट में कंप्लीट करना है आपको, और जो आपका उठक बैठक वो 20 उठक बैठक लगेंगी वहाँ पे, और जो पुशअप है वो आपकी 10 पुशअप लगेंगी। नॉर्मल हाई हेयर होने चाहिए यानी कि बाल आपके नॉर्मल होने चाहिए, और आई आपकी 6x36 यानी कि 36 वेटर होना चाहिए, और यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन दे रखा है जो कि फुल जानकारी इसी में मिल गई है, फिर भी आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे डाउनलोड करके दिखा देते हैं। ये पीडीएफ फॉर्मेट में रहेगी। ये देखिए, जैसे पीडीएफ फॉर्मेट में आप डाउनलोड करेंगे तो इसमें फुल नोटिफिकेशन विस्तृत में बताई गई है कि देखिए, आपको हाई स्कूल में 50% होनी चाहिए, 5% रिलेक्शन यानी एससी एसटी वालों को 5% की छूट रहेगी इसमें, और देखिए कुक स्टेवर्ड इसमें सारा कुछ दिया रखा है, जो कुक को खाना बनाना आना चाहिए, और एज आपकी 18 से 22 होनी चाहिए, एग्जांपल में 1998 में वो कि हमने आपको बता ही दिया है, और जो का पे अलाउंसमेंट जो कि आपका 21,700 से स्टार्ट होगा आपका पेमेंट, और प्रमोशन के टाइम बढ़ जाएगा, तो आपका प्रमोशन कितने तक हो सकता है, 47,600 तक प्रमोशन पे लेवल के हिसाब से हो सकता है। और यहाँ पे हाउ टू अप्लाई कैसे करना है, ये नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो आपको अप्लाई कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप देख सकते हैं, और अप्लाई कर सकते हैं वो भी अपने घर बैठे अपने मोबाइल पर, किसी भी साइबर कैफ़े के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। तो आपका ये फुल बताया गया है अप्लाई करने का। तो देखिए, आप जो भी जोन में डालना चाहते हैं, जैसे कि आप यूपी से हैं तो आप नॉर्थ जोन में डाल सकते हैं, जो कि नोएडा सेंटर रहेगा आप एग्जामिनेशन का, और नॉर्थ ईस्टर्न जोन में डालेंगे तो कोलकाता रहेगा, और ईस्टर्न जोन में डालेंगे चेन्नई रहेगा, और वेस्टर्न जोन में डालेंगे मुंबई होगा। तो यहाँ पे देखिए कितने स्टेट आते हैं, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली एंड यूनियन टेरिटरी, और ऑफ चंडीगढ़ ऑफ लद्दाख, तो इस हिसाब से ये स्टेट दिए गए हैं। यहाँ पे देखिए, आपको किस जोन में डालना है वो आप डाल सकते हैं। तो सिलेक्शन प्रोसेस कैसा रहेगा, ये देखिए इन्होंने सिलेक्शन प्रोसेस बताया है। शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया विल बी बेस्ड ऑन हायर परसेंटेज ऑफ मार्क पर्टिकुलर एग्जामिनेशन सेंटर, और यहाँ पे देखिए आपका जो 50% मार्क रहेंगे वही अप्लाई कर सकेंगे, और इसके बाद इन्होंने बताया रिटन टेस्ट होगा, और रिटन टेस्ट के बाद आपका फिजिकल होगा, फिटनेस टेस्ट होगा, जो कि आपका 1.6 किलोमीटर की रनिंग रहेगी, वो 7 मिनट में कंप्लीट करनी है, 20 स्क्वायर फिट रहेंगे, जो 10 पुशअप रहेंगे जो कि हमने आपको बता दिए हैं, और लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट, इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तो 3 कॉपीज ऑफ ई एडमिट कार्ड विथ लेटेस्ट फोटोग्राफ अफिक्स्ड। तो यहाँ पे देखिए, 3 सेट में आपकी सारी फोटो कॉपी होनी चाहिए, एक एडमिट कार्ड होना चाहिए, और फोटो कॉपी लेटेस्ट फोटो कॉपी होनी चाहिए, ओरिजिनल हाई स्कूल की मार्कशीट का सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो इस हिसाब से इन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बताया है, और जो कि देखिए आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर्मेट नो अदर फॉर्मेट विल बी इंटरनेटेड। तो यहाँ पे देखिए सब कुछ बताया गया है, हाइट कितनी है 157, तो हाइट और चेस्ट वगैरह सब कुछ में बता ही दिया था, तो सब कुछ क्लियर है, जो कि विजुअल स्टैंडर्ड आई का होना चाहिए। देखिए ट्रेनिंग, जो आपका ट्रेनिंग होगा वो 2 अप्रैल 2020 में ट्रेनिंग होगा, तो बहुत जल्द इसकी कंप्लीट हो जाती है वैकेंसी।
तो देखिए जो कुछ है हमने इसको बता दिया है, फिर भी इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप कम्प्लीटली देख सकते हैं इसको। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।